हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए आज इजी सी छेना मुर्गी बनाते हैं। हाँ भाई, बहुत आसान है। देखिए क्या क्या चाहिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स घर में यूजुअली अवेलेबल होते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में पानी और चीनी को डाल के हमें चाशनी तैयार करनी है। अब ये मुझे एक तार की चाहिए, जिसे वन स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो जैसे ये ऐसे बबल्स बनने शुरू हो, आप इसको मिक्स जरूर करते जाइए। और आप देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ सामने वीडियो में कि कैसे आपको चेक करना है कि एक तार की कंसिस्टेंसी आ गई है कि नहीं। जैसे ही वो कंसिस्टेंसी आ जाए, गैस स्लो करिए और छोटा छोटा कटा हुआ जो मेरा पनीर था वो मैंने डाल दिया। पनीर अगर छोटा कटा होगा तो आपको काम करना उसमें ईजी रहेगा। अब छेना मुर्गी यूजली दो टाइप से मिलती है मार्केट में, एक थोड़ी सी जो गीली होती है चाशनी वाली और एक सूखी वाली। तो पहले देख लेते हैं कि गीली वाली कैसे बनानी है। तो अभी हमने इसमें डाल दी इलायची पाउडर और अब मैं इसका मिक्सिंग प्रोसेस स्टार्ट करूंगी। 2 से 3 मिनट पकाना है और गैस ऑफ कर देनी है अगर आपको गीली वाली चाहिए तो। अगर आपको ड्राई वाली चाहिए तो इसको 4 से 5 मिनट तक आप मिक्स करिए। तो पनीर, चाशनी और इलायची पाउडर, इसको मैं मिक्स करती रहूंगी तब तक जब तक कि ये जो चाशनी है ये वापस क्रिस्टल ना बन जाए या फिर वापस सफेद रंग की ना हो जाए। जैसे ही सफेद रंग की होने लगी, गैस ऑफ कर दीजिए और करछी चलाते जाइए ताकि पनीर जो है वो सड़ ना जाए। और तब आप देखोगे कि चीनी अलग हो जाएगी। हाँ, तो इस सूखी वाली का फायदा यह है कि चीनी अलग हो जाती है। तो देखा कितना आसान था। फिर मिलूंगी मैं आपसे कुछ और नई रेसिपीज के साथ।